तो हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में। टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा आया हुआ है जिसमें नेम है, सिटी है, मोबाइल नंबर है एंड ईमेल आईडी है। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक सेल के अंदर ही है। हम चाहते हैं ये अलग अलग सेल के अंदर हो जाए, तो हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलन, जो डेटा मेनू बार के अंदर आपका होता है टेक्स्ट टू कॉलन, उसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक तो फिक्स है, देखिए मेरे पास कॉमा सेपरेटर है तो फिक्स ना लेंगे, डिलिमिटेड पे जाएं। डिलिमिटेड पे जाने के बाद नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप किसके अकॉर्डिंग करना चाहता है, टैब या सेमी कॉलन या कॉमा? तो मेरा कॉमा है तो आप अपने हिसाब से दीजिए, अगर कोई अलग करेक्टर है तो अदर पे जाके वो करेक्टर दे दीजिए। पर नीचे आपका प्रीव्यू दे देगा कि आपका इस तरह से डेट टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में कर दिया गया है। तो नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कीजिए, ये आपके सामने डेटा अलग अलग कॉलम्स में आ जाएगा। अब इसको हेडिंग वगैरह आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। तो अब बात आती है, ये क्या इसी इतना यूज होता है? जी नहीं, इसमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे यूज है इसी में। हम चलिए वही आपके सामने बात करते हैं। सबसे पहले कि मान लीजिए कि किसी ने आपको नंबर जो है टेक्स्ट में कर दिया हुआ, जैसे कि कोई नंबर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। अब ज्यादातर देखे होंगे आईडी वाईडी में आपका आई जो है टेक्स्ट हो जाता है। मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसको कर दिया टेक्स्ट। और फिर इसको कॉपी करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, हम कर देते हैं वैल्यू। तो अब देखिए ये जो नंबर आपको दिख रहा है दोनों 25 है, लेकिन जब दोनों में वी लुकअप इफ जैसे फॉर्मूला लगाइएगा तो ये आपको फॉल्स दिखाएगा। ए ट्रू दिखाया, फॉल्स दिखाना चाहिए क्योंकि 20 अच्छा कन्वर्ट हो गया इसका, 2013 वगैरह में फॉल्स दिखाएगा, दोनों मैच नहीं करेगा। क्या वी लुकअप मैच कर रहा है? अगर वी लुकअप लगाता हूँ और बोलता हूँ कि 25 को मुझे इसके अंदर मैच करना है, कॉमा जी कॉमा 1, 2 हाँ लुकअप कर रहा है, क्योंकि ये हमने कॉपी पेस्ट किया है इस कारण से। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 25, अब 362, 25, 362। अब मैं इसके अंदर दोनों को इक्वल करता हूं तो देखिए क्या होगा, फॉल्स आया ना। पहली बार ट्रू इसलिए आया क्योंकि हमने वैल्यू पेस्ट कर दिया था, तो वैल्यू पेस्ट करते समय उसे नंबर ही ले लिया था। अब मैं अगर वी लुकअप भी लगाऊं तो वी लुकअप नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि वी लुकअप में भी आपको प्रॉब्लम होगी कि डेटा को लुकअप नहीं करेगा, एम में दिखाएगा, इसलिए क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसको यहाँ पे एक एक करके कन्वर्ट टू नंबर कर सकते हैं, लेकिन किसी ने आपको मान लीजिए सेलेक्ट करके इग्नोर एरर कर दिया तो भी नहीं आएगा। अब डबल क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे फिर भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करके आपको फॉर्मेट सेल में जाके करना होगा जनरल। तो क्या जनरल करने से हो जाएगा? जी नहीं। देखिए जनरल करने के बाद अब मैं इस पे जो टाइप करूंगा या फिर नंबर करने के बाद अब जो मैं टाइप करूंगा वो हमारा नंबर होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर 60 कर दिया टाइप तो अब नंबर हो गया 60, लेकिन जो पहले से टाइप है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी और डेटा आपका चेंज नहीं होगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह से बहुत सारे नंबर है, इसको टेक्स्ट टू कॉलन में कैसे करूं, सॉरी नंबर फॉर्मेट में कैसे करूं? तो हमारे पास फॉर्मूला जो मैं बताया था कि वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं या नंबर वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे एक अलग सेल पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। मैं जस्ट इसी को रिप्लेस करना चाहता हूँ टेक्स्ट से नंबर में, तो टेक्स्ट टू कॉलन में जाइए और कुछ मत कीजिए, सीधे फिनिश कर दीजिए, कन्वर्ट हो गया। ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। दूसरा, कभी कभी डेट जैसे कि 10.0 से 0.2022, अब ये डेट डला हुआ है, ऐसे बहुत सारे डेट है, मैं एक ही डेट रिपीट कर रहा हूँ, आपके साथ ऐसे बहुत सारे डेट्स हैं, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डेट में? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डॉट को स्लैश कर देते हैं तो फिर MMDDYY का पंगा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट टू कॉलन पे जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट दो बार नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए DMY को चेंज कर देना है MDY से, द नेक्स्ट एंड फिनिश कर दीजिए।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ कि DMY नहीं करना चाहिए था हमें, हमने गलत कर दिया, क्योंकि मेरा जो है DDMMYY है, DDMMYY है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट, तो आपको DMY ही सिलेक्ट करके फिनिश करना है। आप देख लीजिए आपके कंप्यूटर का सिस्टम का डेट फॉर्मेट क्या है, अगर आपका MMDDYY है मतलब पहले मंथ फिर डेट है, देन आप यहां से चेंज करें, अदरवाइज DMY रखें और यहां पे फिनिश करें। पर फिनिश करने पे हुआ नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट, MDY एंड फिनिश, अब दोबारा करना पड़ेगा, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, और फिर इसको कर दीजिए DMY एंड फिनिश। डेट फॉर्मेट का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। हाँ, दो बार आपको MDY करना पड़ेगा। अब देखिए ये आपका 10 जून आ गया, आपको एक ही बार करना होगा। अगर आपका सिस्टम जो है ना MMDDYY पे है, मेरा DDMMYY पे है, इसलिए दो बार MDDYY करना होगा। मैं दोबारा बताता हूँ कैसे किया मैंने। ये डेट आपके सामने है, इस तरह का डेट डाला हुआ है। सबसे पहले आप जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलन में, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और आप यहां से सिलेक्ट करेंगे MDY एंड फिनिश कर दें। डेट कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप देखिए कि आपका डेट सही है तो ठीक है, लग रहा है कि नहीं नहीं डेट गलत हो गया, मंथ डेट बन गया, डेट मंथ बन गई है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 मंथ है और 10 डेट है, लेकिन ये हो गया 6 हमारा डेट हो गया और 10 मंथ हो गया, जो कि गलत हो गया। तो इस पे एक बार और मुझे क्या करना है, MDY करके फिनिश करना है, अब सही हो गया। उसी तरह से कभी कभी डेट कुछ इस तरह से भी आती है, जैसे कि 2010 सॉरी 2022 और 06 और 10, बहुत सारे जगहों पे डेट इस तरह से भी आता है आपका, खासकर फाइल नेम वगैरह का जो डेट होता है कुछ इस तरह से होता है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे YMD करके फिनिश कर दीजिए, चेंज हो गया। तो टेक्स्ट टू कॉलम इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। फ्लैश फिल मैंने आपको होम में पढ़ाया था, अब बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की। देखिए डेटा वैलिडेशन खास नहीं है, बस जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे अमाउंट है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन इसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा या कम एंट्री ना कर सके, ऐसी वैलिडेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डाल दिया लिस्ट में जाके, इस में होल नंबर में जाके भाई बिटवीन या फिर कोई भी कंडीशन ले लीजिए, तो मैंने आपको ग्रेटर देन यहाँ पे कर दिया 500, तो 500 से कम की अमाउंट यहाँ पे कोई भी नहीं डाल पाएगा, 60 डाला तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी तरह से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई और चीज डालना, जैसे कि मान लीजिए सिटी लिस्ट है हमारे पास, तो मैं चाहता हूँ कि सिटी यहाँ पे डाले, तो यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम में जाते हैं और यहाँ हम लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और मान लीजिए कहीं पे सिटी डला हुआ है उसकी लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि जैसे कि पुणे, नोएडा, कानपुर, रायपुर एंड ओके कीजिए। अब एक ड्रॉप डाउन बन के आएगा, इसी में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई और इसके अलावा टाइप नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना चाहता हूँ कोई 10 डिजिट से ज्यादा ना डाल सके, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लेंथ दिख रहा होगा और यहाँ पे हम इक्वल टू कर देते हैं 10। अब 10 डिजिट से जैसे कोई कम और ज्यादा डालेगा यहाँ पे आपके सामने एरर्स आ जाएगा, ठीक है।